बिलाशुबा वो मर्द मोमिन मरद हक थे और अल्लाह रब्बुल रब ने उन्हें जोरी हुसन अता किया था जो वजाहत अता की थी हाँ। जी। जो उनकी शख्सियत का रोब और आपकी हाँ। शख्सियत का जो दबदबा था और बातिल के सामने ललकारने की जो उनमें हिम्मत और ताकत थी वो यकीनन उन्हीं का खासा था यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाह रही हूँ साहब के जब ये जंग आज़ादी लड़ी गई थी ना 1857 में सईदी आला हजरत की जो विलादत है ना वो 1856 की है ये जंग आज़ादी को जो है तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की बुनियाद कहा जाता है सही तो सईदी आला हजरत शाह इमाम मोहम्मद रजा ख़ान फाजिलवी रही की विलदत एटीन फिफ्टी सिक्स में हुई जी यानी उस जंग आज़ादी से एक साल पहले और हजूर मर्द मोमिन मर्द हक की जो विलदत बात है

और जिस अंदाज में मसल के अतबार से आपकी शख्सियत में तसल्लुब था वो आप यकीन जानिए कि शहर कराची पर आज भी ऐसे नजर आता है कि किबला शाह साहब रहमा का रूहानी फैजान जारी आ, 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 आप देखिए बदअीदगी जो है जी। वो हमें और खितों में बड़ी तेजी के साथ पनपते हुए नजर आती है और बहुत जल्दी के साथ शराइ करते हुए नजर आती है लेकिन आप देखिए कि अल्हमदल्लाहम्दुल्ला यद मत इस्लामियाा और दूसरे तूसरे मर्द मोमिन मर्दा सैद शाहतरादरी रहमत ये जो दो हस्तियाँ जो मज़ारात की सूरत में शहर कराची को हासिल हैं ये हाँ। कबूर शहर कराची पर हुक्मरानी कर रही हैं ये बादशाहत कर रही है ये हकीकी बादशाह लोग हैं जिन्होंने कब्रों में जाने के बाद भी अपने शहर के रहने वालों के ईमान और औरतकदात की हिफाजत का बेड़ा और जिम्मा ले रखा इसलिए ये हज़ूर सैद शाहराबा क़ादरी रहा तैयारी की सारी खिदमत आपकी ज़िंदगी की आप देखिए आप निज़ाम मुस्तफा की जो तहरीक चली ख़तम नबूवत की तहरीक चली फिर उसके बाद आप जब मेंबर कौमी असम्बली हमारा एन ए वन नाइन्टी था जिससे आप उस वक्त मम्बर मुंतखब हुए और फिर उस वक्त आपने

जैसे तूने अपने इन बुजुर्ग हस्तियों को मसलक का तसल्लु बता किया है भाँ, इनके कदमों की धूल की बरकत से हमारा खात्मा उसी तसल्लु के साथ ही फरमा